सुबह का टाइम है, आज मैं सोच रही थी क्या बनाऊं। देखी फ्रिज में थोड़ा सा भिंडी है, तो भिंडी को मैं अच्छी तरह से धो के सुखा ली हूँ। उसके बाद अपना ये काट ली और इसको मसालेदार सब्जी बनाऊंगी भिंडी का। देखिए भिंडी इस तरह से बीच से काटे हैं, थोड़ा प्याज भी काट लिए हैं दो, और एक टमाटर और थोड़ी सी 7-8 कलियाँ लहसुन भी। तेल को अच्छी तरह से गर्म करके और ये भिंडी को फ्राई कर देंगे। फ्राई करके भिंडी बनाएंगे तो मसालेदार सब्जी बहुत बढ़िया इसका बनता है। तेल में अच्छी तरह से इसको उलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई कर लेंगे इसी तरह से, देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। और कभी कभी भिंडी का ऐसे भी सब्जी बनाइए, बहुत अच्छा बहुत टेस्टी लगता है। और देखिए हमारी भिंडी हो गई है, अब इसको निकाल लेती हूँ। हमारे गांव पे तो बहुत भिंडी खेत में बोया जाता है और बहुत फटता है। अब तेल जो उसमें तेल बचा है उसमें थोड़ा सा 1/2 चम्मच मेथी डाल देंगे, उसको भी फ्राई करेंगे। और जो लहसुन काट के हम रखे थे लहसुन को भी साथ में फ्राई कर देंगे। और इसको देखेंगे अच्छे से फ्राई हुआ है कि नहीं। उसके बाद इसमें प्याज भी डाल के अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को भुनना है, मतलब इसको अच्छा सा गुलाबी कलर तक अच्छा सा भून लेंगे प्याज को। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से चला के भूनेंगे। और इसमें डाल देते हैं मसाला भी, ये हल्दी है 1/2 चम्मच और गरम मसाला 1/2 चम्मच है और धनिया 1/2 चम्मच है और नमक अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे और लाल मिर्ची थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी मैं, अपने हिसाब से आप तीखा और मसाला तीखा मिर्चा मतलब कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ टमाटर भी डाल के अच्छे से भून लेंगे साथ में अब इसके बाद इसमें फ्राई किया हुआ भिंडी भी डाल देंगे, इसको भी मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करके थोड़ा सा इसमें आधा कटोरी से कम ही थोड़ा सा पानी डाल के इसको चला के इसको 5 से 6 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे कि अच्छी तरह से भिंडी और मसाला दोनों अच्छी तरह से पक के मिक्स हो जाए। देखिए बढ़िया से हो गया है, इतना प्यारा कलर भी आ गया है सब्जी का। देखिए भिंडी हो गई है, अच्छे से तैयार है सब्जी और बहुत ही अच्छा लगता है भिंडी का ये मसालेदार सब्जी। आप लोग खाइए, लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ते भी।